और चाचा, और चाचा बाहर निकले। भतीज सब खैर तो है, क्यों एडी उची उची रौला पाई जाना? ओ चाचा, बहुता मासूम बनने की जरूरत नहीं। मैं तेनू किन्नी बारी समझाया सी कि मेरे मुंडे नू ऐंदा तो हाथ ना लाई, तू अज फिर इनू कुटिया। पुत्तर मैं इनू मारिया तो नहीं, ये तो मिट्टी च खेड़दा सी, उत्थों मैं इनू मना कीता। ओ चाचा, मैनू चंगी तरह पता वा तू साडे तो सड़दा वा, नाले एवें जवाकां नू कुट्टण ना शरीके नहीं भोगदे हुंदे। मैं तेनू साफ साफ दस दवा, जे ऐंदा तो तू मेरे जवाक नू कुट्टिया ना, तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। वेख पुत्र, मैं तेरा चाचा वा, मैं तेरा भला ही सोचदा, बुरा नहीं। ओ बस बस, तू साडा चाचा नहीं शरीक आ, ते गल मैं चंगी तरह जानदा वा। यार रजा, अपने चाचे नाल बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? घट तो घट उन्हां दी उम्र दा लिहाज ते कर। यार रजान, हुण तक उम्र दा ही ख्याल कर रहे हैं, नहीं ते इनू लम्मिया पा के दस देना सी कि शरीका की हुंदा। नाले तू भी याद रखी, सप्प दा डस्या ते बच सकदा, मगर ये शरीकां दा डस्या नहीं बच सकदा। इन्हां को बच के रही। बाबा परेशान ना हो, रजा ते एवें गुस्सा करदा रहिंदा वा। पुत्तर वो ते मैनू पता आ, पर एक दौर सी जदों चाचियां दी बहुत इज्जत करदे सी। ओए अहमद, किधर फिरी जाना? ओ चाचा किते भी नहीं, मैं तो अपने बेली दे नाल ग्राउंड चलिया सी। अच्छा, आवारा गर्दियां करदा, तेनू घरे चैन नहीं हैगा? चल तेरे बुढ़े को तेरी ते छलपटावा। ओ चाचा बेनू ना दसी, एक बारी माफ कर दे। ओए अहमद, ओए उठ जा, दिन चढ़ गया, स्कूल नहीं जाना। ओए अच्छा अब्बा, चला जाना वा। ओए इन्नी देर हो गई, तू हले तक स्कूल नहीं गया? ओ अब्बा मैं आज स्कूल नहीं जाना, मेरा नहीं दिल करता। अच्छा तू एदा नहीं जाना, मारदा तेरे चाचे नू आज। ओ बूटिया, ओ कर आपदे भतीजे दा इलाज, ये स्कूल नहीं जांदा। ओ नहीं नहीं अब्बा, चाचे नू बुलाण नू रहन दे, मैं चला जाना वा स्कूल। ओपा थोड़ी देर साइकिल ते दमी, मैं काम जाना सी। ओ बूटिया पूछण दी की लोड़ है, ओ तेरी आपदी शह, जिथे मर्जी ले जा। ठीक है पा। अब्बा तो नाल दे पिंड गया होया, अज तो रज के वांजू खेडांगा। ओ तेरी खैर, चाचा किधरों आ गया? ऐस तो पहला चाचा मैनू फड़े भज पा अहमद। कहाँ जा रही हो? जहां मर्जी जाऊं, लेकिन इस घर में मैं मजीद नहीं रहना चाहती। हमारी तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई, तो फिर घर से जाने की बातें क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था, या तो इस घर में तुम्हारा बाप रहेगा या मैं रहूंगी। अपने बाप को तो तुमने इस घर से निकाला नहीं, इसलिए मैं ही इस घर से जा रही हूँ। देखो मुस्कान, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं जाती, अभी के अभी अपने बाप को इस घर से निकालो, वरना मैं जा रही हूँ। लगता है इस बुड्ढे की वजह से मेरा घर खराब हो जाएगा। तुम अंदर चलो, मैं अभी इसे घर से बाहर निकालता हूँ। चल चल बाबा, निकल जाए यहां से, और ये पकड़ अपना सामान, इज्जत के साथ इस घर से निकल जा, वरना मैंने तुझे धक्के देके निकाल देना है। और हाँ, वापस इस घर में आने की कोशिश मत करना। पुत्र किदां दीआं गल्लां करदा, मैं तेरा बाप हां, जे तू मैनूं घरों कढ दित्ता तो मैं किथे जाके रहूंगा? ओ जहां मर्जी जाके रहो, खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो। ठीक है पुत्र, मैं इत्थों चला जाना, पर तू खुश रह, तू खुश रह। यार माजद, काफी दिन हो गए हैं, तुम्हारे अबू नजर नहीं आए, कहीं गए हुए हैं? यार अली,
तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बीवी कहती थी कि या तो तुम्हारा अब्बू इस घर में रहेगा या मैं रहूँगी, इसलिए मैंने अपने अब्बू को घर से निकाल दिया। पापा, आपने दादा अब्बू को घर से क्यों निकाल दिया? बेटा, आपके दादा अब्बू बूढ़े हो गए थे, इसलिए उन्हें घर से निकालना पड़ा। इसका मतलब है पापा, जब आप भी बूढ़े हो गए तो मैं भी आपको घर से निकाल दूंगा। यार अजान, तूने मेरे अब्बू को देखा है कहीं? किस बाप की बात कर रहे हो जिसे तुमने धक्के देकर घर से निकाल दिया था? जाओ, मुझे नहीं पता। यार भाई, ये मेरे वालिद की तस्वीर है, आपने इन्हें कहीं देखा? आपका नाम माजिद है ना? जी जी, पर आपको कैसे पता? वो दरख्त देख रहे हैं, आपके वालिद 2 माह तक उस दरख्त के नीचे बैठकर आपका इंतजार करते रहे। कहते थे मेरा बेटा मुझे जरूर लेने आएगा, लेकिन अफसोस कि तुम नहीं आए। 2 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया और गांव वालों ने मिलकर वहां कब्र बनाई है उनकी। वालदैन जन्नत का वो दरवाजा है जिसे खुश नसीब इंसान उनकी जिंदगी में और बदबख्त इंसान उनके मरने के बाद उसे कब्र पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैम, ये कितने का है? सर, ये 450 का है। मैम, ये भी रख दें। माजिद भाई, किसी और चीज की जरूरत है तो मुझे बताएं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अली भाई, आपके स्टोर की तो हर चीज ही कमाल है। वैसे ये लड़की कौन है? अच्छा, ये गरीब घराने की लड़की है, इसके वालद को फालज हो चुका है और ये मजबूरी में यहाँ काम कर रही है। अच्छा, वैसे कितनी तनख्वाह देते हो इसे? यार, यही 15,000 रुपये। यार, ये लड़की मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, अगर तुम इसे एक रात के लिए मेरे पास भेज दो ना, मैं इसकी सारी परेशानियां दूर कर दूँ। वैसे माजिद भाई, बड़े अफसोस की बात है, ये लड़कियां गुर्बत की वजह से घर से निकलकर शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप और बसों में काम करती हैं। हमें चाहिए कि हम इनकी हौसला अफजाई करें ताकि ये भी माशरे में बाइज्जत तरीके से अपना रोजगार कमा सकें। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारा माशरा इनकी दाद रसी करने की बजाय इनको हरासा करने की कोशिश करता है। अली भाई, मुझे माफ़ कर दें, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा हर लड़की को इज्जत की निगाह से देखूंगा। पाजी, इत्थे ला दियो। वो छेती छेती काम नबेड़ ला, आपा मालकां तो पैसे ले आ, वो कोई अल्लाह वास्ते काम नहीं करन रहे। ठीक है सर जी। ओ माखिया, नेरा होई जांदा वा, तुसी हले तक गए क्यों नहीं? ओ बाऊ जी, थोड़ा जा काम रहंदा सी, मैं क्या चलो नबेड़ ही लईए, नाले थोनू पता रोजी भी तो हलाल करनी है ना। वाह माखिया, रब करे साडे दिलां च सास एवें जिंदा रवे। ओ कमलिया, इनी मिट्टी लैके आ रहा वा, इंज ते कम 2 दिन च मुक जाना वा, ओ बाद च पूरा हफ्ता भुखिया मरांगे। ओ हौली हौली कम करीदा, कम नू लम्मिया कर लम्मिया। अच्छा उस्ताद जी, टेंशन ना लो, कम नू लम्मिया कर दांगे लम्मिया। उस्ताद जी, मालिक आ गया।
हड हरामो, चार दिन का काम सी तुहाडे कोल हजे तक फर्श नहीं पिया। ओ भाई असीं ते काम इंज ही करदे आ, नहीं दिल मानदा ते आ पिया काम, असीं चलदे आ। चल नहीं नहीं भाई, ना मैं ते मजाक लगा सी, मेरे को गलती हो गई, तुसीं जिवें मर्जी कर लो। ऐंदा तू साडे काम च अमल दखल ना करी। आयो दिमाग। ओए की करन दे आ, वेला ही आ। हाँ यार वेला ही आ, खैर सी। चल आ मैं तेनू अपने सोहरियां दे पिंड लैके आना, देखी तेरे यार दी किन्नी इज्जत कर दे। अच्छा चल फिर। ले हुण इत्थे क्यों रुक गया? ओ रुक सबर रख, देखी अपने यार दी चढ़ाई, सोहरे आप इत्थों लैन आऊगे। ओ हेलो भाई किधर चलना? पिंड जा रहे हैं। अच्छा ताए सदीक घर स्नेहा दे दी, उन्हां नूं कोई तुहाडा जवाई पिंड दी नुक्कर ते खलोता, उन्हूं आके लै जाओ। ठीक आ आख दांगा। देखो हुण तेरे यार दी चढ़ाई। ओ माजे तुहाडी भैण दा खसम पिंड दी नुक्कर ते खड़ा, उन्हूं जाके ले आओ। तेरी ओ भैण दी सानू गाल कढ़दा, पाला इहनूं लम्मिया। यार इन्नी देर हो गई है, हले तक आए क्यों नहीं? ओ भाई गल सुनी। ओ यार जे सदीक घरे चलिया ना ते उन्हां नूं सुनेहा दे दी कि तुहाडा जवाई बह बह थक गया वा, उन्हूं पिंड दी नुक्कर तों आ के लै जाओ। चल ठीक है मैं कह दिन्ना। चाचा सदीक तुहाडा जवाई पिंड दी नुक्कर ते बैठा होया, उन्हूं जाके लै आओ। ओ बूटे जाओ अपने प्राणे नूं इज्जत नाल लैके आओ। ओए मैं भी तेरी कुछ किया सी, तुसीं ओनू छड़ता ते मैनू कुटन लग पे। ओ काका ए सारा लफ्ज़ां दा फर्क है, यही जबान है जिहड़ी इज्जत कराउंदी है ते यही जबान है जिहड़ी छित्तर पाउंदी है। ओ भाई जण आए भाई जण आए भाई जण आए। कलमा शहादत, कलमा शहादत। यार अली लगता है काशी का जनाजा जा रहा है, चलो आओ उसे कंधा दे देते हैं। और रहने दो कंधा देने को, हमने जरूरी काम जाना है। ओ यार कैसी बातें करते हो, चलो आओ। कलमा शहादत, कलमा शहादत। यार क्या जरूरत थी कंधा देने की, पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। यार अली कैसी बातें करते हो, वो हमारा मोहल्लेदार और दोस्त था, उसे कंधा देना हमारा फर्ज बनता था। अच्छा बड़े अफसोस की बात है, आज तो तुम्हें ये फर्ज याद है, लेकिन जब वो जिंदा था और तुम्हारे पास मदद के लिए आया था। हाँ भी काशी खैरियत से आयो, आओ बैठो मैं कुर्सी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं अली भाई मैंने बैठना नहीं है। आपको तो पता है मैं पिछले 2 साल से बीमार हूँ, मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो मेरे इलाज पे खर्च हो गई, जुमे को मेरा ऑपरेशन है जिसमें 4 लाख रुपए कम पड़ते हैं, अगर आप दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी, मैं जल्द वापस कर दूंगा। देखो काशी तुम्हें पता है आजकल मेरे कारोबारी हालात बहुत खराब हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। देखो मेरे भाई जिस नीयत और खलूस के साथ हम मैयत को कंधा देते हैं, काश इसी नीयत और खलूस के साथ हम जिंदा इंसानों को कंधा देने लग जाएं तो सबकी जिंदगियां आसान हो जाए। राजा साहब आज जल्दी जल्दी मेरी शेव कर दियो, मैं मेले पे जाना। हाँ जी हाँ जी बैठो तुसी। ओ राजा तेनू चौधरी साहब डेरे दे डिकन दे आ, तू हले तक आया क्यों नहीं? ओ तेरी मैं तो भूल ही गया, तू इसे बह मैं चौधरी शेव करके हुणे ही आया। ओए मेरी तो शेव पूरी कर जांदा, अद्धी शेव विच ही छड़ गया, ओ मेरा साइकिल भी लै गया। ए तेरे दी प्रोग्राम तो वड़ गया। क्राम भाई मेरा खत ते ऑफिशियल कर दो, मैं ब्याह ते जाना वा। ओ जी साफी लै गया। भाजी
कटिंग करवानी सी, कर दोगे? हाँ जी भाजी आओ बैठो कर देंगे। भाजी हर तरह स्टाइल बना लेंदे हो? हाँ जी भाजी तुसी दसो केड़ा स्टाइल बनवाना? भाजी आला स्टाइल बना दो। बन जाएगा। ये लो यार, दो रोटियां होगी। कितने पैसे भाई? 20 रुपए। ये लो। दो रोटियों के 20 रुपए? इस तरह से तो मुझे कोई मुनाफा ही नहीं मिलता। मैं चोरी से जाके बात करता हूँ और उसे कहता हूँ रोटी के रेट बढ़ाए ताकि हमारे पल्ले भी कुछ पड़े। चोरी साहब हम पर रहम करें। ओ अल्लाह दिते, सब खैर तो है, इतना परेशान क्यों है? चोरी साहब, सारा दिन तंदूर पर रोटियां बेचता हूँ, रोटी का रेट 10 रुपए है, शाम को कख भी नहीं बचता। आपसे अर्ज है रोटी का रेट बढ़ा दो ताकि हमें भी कुछ बचे। ओ अल्लाह दिते, परेशान क्यों होता है? आज से तू रोटी 30 रुपए की कर दे। 30 रुपए की? चोरी साहब चले ठीक है। वो लेकिन याद रखना वो बीच में 5 रुपए मेरा भी हिस्सा है। ठीक है चोरी साहब, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोटी होगी इसका मतलब मुझे 25 रुपए की, ये जो बहुत ज्यादा बचत होगी। ये ले भाई आपकी 5 रोटियां, 150 रुपए हो गए। 150 रुपए? ये ले चाचा आपकी 2 रोटियां होगी, 60 रुपए दे दो। हैं 60 रुपए? रोटी तो 10 रुपए की है, इस हिसाब से तो 20 रुपए बनते हैं। ओ चाचा 10 रुपए वाले जमाने चले गए, अब चौधरी ने रोटी 30 रुपए की कर दी है, जल्दी जल्दी 60 रुपए ढीले करो। आज ही चोरी से बात करते हैं, इतनी महंगी रोटी क्यों कर दी? चोरी साहब, चोरी साहब गजब हो गया, अल्लाह दिता ने रोटी 30 रुपए की कर दी, इतनी महंगी रोटी हम कैसे खरीदेंगे, हम पर रहम करें। 30 रुपए की रोटी, इतनी महंगी? जाओ अली अल्लाह दिते को बुला के लेके आओ। जी चोरी साहब आपने मुझे बुलाया? ओए तेरी इतनी जुर्रत कि तूने मेरी इजाजत के बगैर रोटी 30 रुपए की कर दी? पर चोरी साहब आगे से बोलता है, चुचुचुचु। याद रखना आइंदा से गांव वालों को रोटी 20 रुपए की देनी है, वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी। 20 रुपए की? चोरी साहब ठीक है ठीक है। वाह चौधरी साहब वाह, आपने तो कमाल कर दिया। चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद। प्रोग्राम तो बढ़ गया। चाचा मीद, चौधरी माखे के जनाजे में 10 मिनट रह गए हैं, चलो आओ चलते हैं। हाँ हाँ बेटा तुम चलो, मैं पैदल आ रहा हूँ। बेटा तुम्हारा चाचा फौत हुआ है, तुम दुकान खोल कर बैठे हो, जनाजे पर नहीं गए? ओ ताया, अब्बू जनाजे पर चले गए हैं, वो मना करके गए थे कि दुकान बंद ना करना, दूध बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, खराब हो जाएगा। ठीक है बेटा। पा हमीद ये दुकानें क्यों बंद है? चौधरी साहब शायद आपको पता नहीं, नजीर फौत हो गया, आज उसका 2 बजे जनाजा था, इसलिए दुकानें बंद हैं। उफ़ पा हमीद, मरना तो सब ने है पर ये 2 दुकानें बंद है, बाकी सारा बाजार खुला हुआ, वो देखना जिस दिन मैं मरा ना पूरा गांव बंद हो जाएगा, एक भी दुकान नहीं खुली होगी। वाह चौधरी तुम कितनी बड़ी गलतफहमी में मर गए, तुम तो कहते थे जब मैं मरा तो पूरा गांव बंद होगा, लेकिन यहाँ तो अपनों ने भी दुकान बंद नहीं की। Huh?
ओ मामा आया, मामा आया। ओ छड़ भी दियो मेनू हुण, चुंबड़ी गए आ। आला फड़ कबूतर तेरे वास्ते लेके आया। ओ मामा साडे वास्ते सेब भी लेके आया। बड़े मीठे आ। ओ आ भी चिदया, की हाल आ तेरा? ओ लांतियो मामे नु अगे दे आ लैंदे हो, राह च ही रोक के खलो गए आ। ओए हां हां ठीक है, मैं गुस्सा ना कर, न्याणे आ। होर सुना अपने मियां, तू ठीक है? सब खैर खरीयत है? हां हां सब ठीक है। ओ लांतियो सेब डफी जाने आ, ओ मामे ली कुछ खान पीन नु लेओ। ओ ना ना अपने मियां, मुंडिया नु क्यों चिड़की जाना? तेनू पता ही है अपने पुरखां दी परंपरा है के भरा भैन करो कुछ नहीं खांदे। हाँ यार ओ गल ते तेरी ठीक है। ओ वावा चिर हो गया सी, भाणजिया नु नहीं सी मिलिया, हुण मैं मिल लिया ते मैं चलदा वा। लो पुत्रो कोई शह शू खा लो। ओए वाह 10-10 रुपये अपनिया तो मौजा लग गया। ओ मामा आंदा जांदा रहा कर। लो जी आ गई खाऊ मामा, जिदे नु भुख लगदी इधर नु आ जांदा वा। ओए आओ भी भाणजो, की हाल चाल है तुहाडा? ओ ठीक है मामू। ओए उठो भाई, तुहाडा मामा आया कुछ खाण पीन नु लेके आओ। ओ मामा जिदो भी आना वा खाण पीन ही आना वा, कुछ लै भी आया कर। ला मामा खा ला। चलो पुत्र ठीक है, हुण मैं चलदा। ओ मामा कदी जान लगिया खर्चा पानी दे दिया कर। ओ लै पुत्र, तुहाडा साडा कुछ वंडिया, मेरा सब कुछ तुहाडा, तुहाडा सब कुछ मेरा। ओ मामा सानू लगदा साडा ही सब कुछ तेरा वा, तेरा कुछ नहीं साडा। ओ भाणजो बड़ा सोहना मजाक कर लेंदे हो। आयो जमा।